कहाँ से आप? पुणे से। हाँ मैं पुणे से आया हूँ। कुतुब शाही टोम्ब से 600 साल पहले इन लोगों का हुकूमत करे थे, गोलकुंडा कही है उनकी समाधि है, जैसा ताजमहल में कैसा है वैसा है इनका। ये मेन कुतुब शाह का टोम्ब है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राहिल एंड वाचिंग आरएचके व्लॉग्स। अभी हम हैदराबाद में हैं। व्लॉग को नए देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पुराने व्लॉग्स भी देख लो जो अभी तक यहां तक आए हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11, अभी हम रेडी हो गए हैं और अभी हम निकलने वाले हैं। नक्टू का बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो जैसे कम्प्लीट हो जाएगा हम यहाँ से निकलेंगे। नक्टू ने ये टी शर्ट मुझे गिफ्ट किया है, वो कैसे बदला लेती देखो, मेरे से बदला नहीं बोल सकते बस चढ़ाती है कैसे देखो, ये देखो क्या है टी शर्ट। आई एम नॉट परफेक्ट, आई मेक मिस्टेक्स, ऐसा देना चाहिए कि आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम सुपर परफेक्ट है वो लट। तो मैं थोड़ी देर जग जाहिर करते घूम रहा हूँ, मेरे को तो जग जाहिर करने लगा ही तुमने, देख लो ये देखो कैसा है। I love his mistakes, so I gifted him. अच्छा पूरी दुनिया को भी ये वहाँ पे भी लिखाना है, माई वाइफ लव माई मिस्टेक्स। एनीवेज तो अभी हम निकलते हैं फटाफट और फिर मैं आपको बाकी जो चीजें हैं वो गाड़ी के अंदर बता दूंगा। मैंने इस चीज का सलूशन निकाला है। क्या? ये जैकेट पहन लो इसको। कितने खराब है वो, कितना अच्छा दिख रहा टी-शर्ट ऐसे ही बिना जैकेट के। अभी है ना लोगों को दिखना चाहिए आई एम नॉट परफेक्ट आई मेक, बस इतना ही। उसको सिल दूंगी मैं बस, अब आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या है। तो निकल गए हम रूम से, कि जो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है कुतुब शाह टॉम्स, गोलकोंडा फोर्ट। जो मेन है वो है चार मीनार के पास का मक्का मस्जिद, की आज जुम्मा भी है तो बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे और चार मीनार के पास भी फोटोज निकालेंगे। तो ये हमारा टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है आज। तो गोलकोंडा फोर्ट है नहीं वो मैं अभी लिस्ट में बता नहीं सकता, जैसे भी शेड्यूल बनेगा टाइम मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। प्लानिंग था कि सालारजंग म्यूजियम और चौमहला पहले जाना था, लेकिन ये समझ में आया है कि आज फ्राइडे रहने की वजह से दोनों भी क्लोज थे, तो हमने वो चीज कल पे पोस्टपोन कर दी है। बट अभी तक तो इतना प्लान है, जो भी है आपको व्लॉग के अंदर देखने मिलेगा। ये है पार्किंग एरिया, ये है मस्जिद जहाँ पे लोग अभी जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये बिछा के रखा है पूरा यहाँ से पूरा ये, और ये एंट्रेंस है, ये छोटी सी मस्जिद है मस्जिद अल तैयबा, यहाँ पे किसी की मज़ार है तीन। अभी अंकल से मैं थोड़ी सी बात करूँगा। यहाँ पे जो नमाज़ होगी जुमा की जो नमाज़ होगी अभी, तो वहाँ पर औरतों के लिए कुछ जगह की है, औरतों के लिए जगह है, औरतों के लिए कम है, बाहर है मस्जिद को, मस्जिद तो मेन रोड पे लेफ्ट साइड। हाँ अच्छा, वहाँ पे औरतों के लिए है, औरतों के लिए जमात अलग से अलग बना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर कम है, कमेंट होके पढ़ना पड़ता है, हटके ठहरना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे चाचा है, इन्होंने सारी चीजें गाइड कर दी हमें, और ये टिकट से इन्होंने इस पे स्टैम्प दिया है। यहाँ पे एक टॉम जो पहले दिखाया मैंने वहाँ पे अलाउड नहीं, वहाँ पे क्यों अलाउड नहीं है? अलाउ है और क्या कहे उसका, डॉग वगैरह कुत्ते वगैरह जाते बोल के बंद रखे की बाहर आके देख लो आप, अंदर ओपन है, अंदर ओपन आदमी रहते हैं, अंदर ओपन है। वो फोटोग्राफी देख लो आप, पूरी हिस्ट्री है, अच्छा पूरा डेटा पूरा कम्प्लीट लिखा हुआ है। अच्छा पूरा लिखा हुआ, पूरा एग्जीबिशन है वहाँ पे। कहाँ से आप? पुणे से। हाँ मैं पुणे से आया हूँ। एक घंटा लग जाता है फोन लो घूमे तक। अच्छा बहुत बड़ा एरिया है, 100 acres है। अच्छा और ये एक्चुअली हिस्ट्री क्या है इसकी पूरी? ये कुतुब शाही टोम्ब से 600 साल पहले इन लोगों का हुकूमत करे थे, गोलकुंडा कही है उनकी समाधि है, जैसा ताजमहल में कैसा है वैसा है इनका। अच्छा तारीखी मुकाम है, अंदर मेन किंग है जो खुली कुतुब शाह जो हैदराबाद सिटी ओपन करा था,
तो मालूम आया था, अंदर गाइड भी मिल जाता आपको। अच्छा, तो ये गोलकुंडा फोर्ट इनका ही था क्या? यही वहाँ पर गद्दी थी, वहाँ पर बैठते थे। अच्छा, ये हैदराबाद सिटी ओपन करे। अच्छा, इन्हें ओपन करे क्या? भव्य नगर स्थापल है, बागमती से शादी करे थे, उसको हैदर महल का खिताब दिए। अच्छा, तो उसके बाद हैदराबाद बना। तो ये मेन है। चलो ठीक है, मैं देख के आता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी छात्र ने जैसे गाइड किया, तो यहाँ पे शोकेसिंग है इनका हेरिटेज का, तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। जो हम मॉन्यूमेंट के वहाँ पूरा रीड कर रहे थे ना, इसके वहाँ पे दिखा था टोटल 18 टॉम्बे पूरे एरिया में। ये नमाज पढ़ने की जगह है, वो दिख रहा है वो छोटा पत्थर है ना, ये मेंबर है, और ये है किबला, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी। और इसके जस्ट पीछे जो ये जगह है ना, यहाँ पे ना लोग खड़े रहते थे नमाज पढ़ने के लिए। चार मीनार अभी नहीं, अभी जाएंगे। अच्छा, ये लोग मरने से पहले अपनी टूम भी तैयार कर लेते थे, मस्जिद भी तैयार कर लेते थे। अच्छा, नमाज पढ़ा के टूम में दफनाते थे। अच्छा, ये फैमिली पूरी ईरान से आए थे लोग, ये कुतुब शाह डायनेस्टी, इनके बाद निजाम आया हैदराबाद में। अच्छा, उस साथ ईरानी चाय, ईरानी बिरयानी मशहूर है हैदराबाद। अच्छा, तो ये सब ईरानी थे जो कुतुब शाह थे, वो उनके हस्बैंड, ये जो उनकी बेटी थी। नहीं नहीं, वो मोहम्मद कुतुब शाह की मेन जो थे, उनकी बेटी है, ये दामाद है, वो बेटी है। अच्छा, ये इनके हस्बैंड है, इनके हस्बैंड है ये। इन्होंने मक्का मस्जिद कंप्लीट करने लगा, जिसकी ताजुद की नमाज एक भी नहीं छुट्टी देखी है। हाँ, मक्का मस्जिद कंप्लीट करने लगा इनुच। तो ये जो कमान लिख रहे हैं, हाँ, मक्का मस्जिद का चाहिए। अच्छा, ताजुद की एक भी नमाज नहीं छोड़ी। ये दोनों बहना, ये तारामती वही प्रेम मोहम्मद। अच्छा, तारामती और प्रेमती, एक सिंगर एक डांसर, ये गोलकुंडे पे तार पे डांस करती थी दोनों बहनें। ये लोग हिंदू थे, कन्वर्ट मुस्लिम हो गए, तो मुझसे फोकस करने लगे। उनकी जनाजे की नमाज मस्जिद पे पढ़ाई गई। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई गई। तो हर एक टोम के साथ में एक मस्जिद है क्या? के लिए इन्होंने ना ये किया, एक एक टोम बनाया, जितने भी लोग जुड़े थे ना। ये है शाही हमाम। अच्छा, इसे गुसलखाना, मरगे बंद। हाँ खाना, इसके ऊपर तख्ता रखे, बाड़ी रखे, बाड़ी वॉश करते थे, दिन में लाइट सन लाइट है, नाइट में लाइट उसमें मशा लगा, वहाँ ड्रेस चेंज, वहाँ कफा। अच्छा, उधर ये शाही हमाम होते थे। अच्छा, पूरा का गुसलखाना यही छोटा था, सब यहीं पे आते थे, पिक्चरों में देखते थे बस। ये मेन कुतुब शाह का टॉम है, ये भी हम अंदर जा रहे हैं। प्रॉपर साइड से बॉर्डर बना हुआ है, नाइस। गोलकुंडा जाके आप लोग? गोलकुंडा जाना है, कोई ना यहाँ से दिख रहा है वो। ये है मोहम्मद गुल कुतुब शाह, हयात बख्शी बेगम के फादर, मेन टूम्स जितने टूम्स हैं पूरा में मेन ही है। अच्छा, इन्हों भागमती से प्यार करे थे,
अच्छा हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था पहले। क्या था? भाग्यनगर। भाग्यनगर अच्छा। बाग मजीद भी शहर बसा के दिए चार मीनार चार कमा। इन्होंने चार मीनार बनाए, उनके दामन मक्का मजीद बनाए, वो बेटी है। और कोहिनूर जो डायमंड था इनके निस्ता दो लंदन में। इस 400 या 400 साल पहले लेग नहीं थी, मैग नहीं था, इससे एक होता था। ये पूरी आवाज इको होती है इसकी वजह से। तो फिर इसका नाम कैसे चेंज करें? हैदर बेगम मुस्लिम कर दिया ना, हैदर बेगम। अच्छा, उनका नाम हैदर बेगम रख दिया क्या? इनकी नमाज यहाँ पढ़ाई। अच्छा, कम से कम हम 2 लाख आदमी नमाज पढ़ते हैं रमजान बकरीद में, ईद के दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है? पूरे स्टेप वेल है ये 250 फीट अंदर है। जो ये रैंप देख रहे हैं वहाँ से पानी निकालते थे एलिफेंट हाथी। अच्छा, 250 फीट अंदर ये नीचे जमीन में से आता पानी इसको। ये हाँ जी, कुंड में ऐसे आता। तो वो वहाँ से हाथी पानी निकालते थे पूरा। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर गाइड नहीं करते ना यहाँ पे तो हम यूँ ही बस भटकते रहते, घूमते रहते, है क्या चीज़ समझ भी नहीं आता। हाँ। है ना, ऐसा लगता कि ये बस पॉन्ड है, वो बस ऐसे टॉम है, टूम है, बट ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली इसके पीछे क्या है। इसलिए हमने सोचा कि इस बार गाइड लेके करते हैं अच्छे से। अगर कर रहे ना तो अच्छे से करो, है ना। हाँ। हमेशा यूँ ही जाके मतलब नहीं बनता। देखो यहाँ पे अंदर एक मंदिर भी है, एक है। हाँ, ये रॉयल फैमिली फैमिली डॉक्टर हकीम। अच्छा, इनके डॉक्टर थे। तो ये लोग ईरान से आए थे, ये लोग तुर्की से आए, तो इनका डिजाइन ही चला था पूरे। तो उन लोगों के हिसाब से डिजाइन बना दिया उनके टोम का। मतलब उन लोगों के साथ में जितने भी लोग जुड़े थे उन सबका उन्होंने यहीं पे टोम बना दिया। पूरी फैमिली या जो भी उनके सलाहकार थे वो भी सब यहीं पे है। वो बताओ यार, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए स्पेशल जगह जहाँ पे पढ़ी, जहाँ पे बना है वहाँ पे पढ़ गए। उन्होंने पहले सब चीज रेडी करी मरने से पहले। हाँ, टोटल कितने हैं? अच्छा, फैमिली के साथ है क्या? मतलब जो मैंने देखा था वहाँ पे छोटी मस्जिद करके बोला था मैंने, वो वहाँ पे एक्चुअली नमाज पढ़ी गई थी, तो वो बना हुआ था वहाँ पे जगह जो मेंबर वगैरह है। हाँ, वहाँ पे था। ये बंद है, ये क्या है? मरने से पहले तुम तैयार कर लेते थे। हाँ, वो जो बेटा, उनका बेटा है बोला मैंने, अब्दुल्ला खुलू कुतुब शाह जो। हाँ, उनके दामाद ये तानिशाह, अबू हसन तानिशाह, उनके वास्ते कम्प्लीट कर रहे थे। अच्छा, तो हुकूमत सही नहीं कर रहे थे, तो औरंगजेब आए मुगल, गोलकुंडे पे अटैक करे, इनको कैप्चर करे, महाराष्ट्र लेके चले गए औरंगाबाद। अच्छा, 14 साल जेल में डाले दौलताबाद खुलताबाद में। हाँ। वही मर गए तो वही दफना दिए, इनकम्प्लीट रह गया। 1687 से कुतुब शाह डायनेस्टी में सेकंड निज़ाम आ गया हैदराबाद, यहाँ से नवाबों का शहर चालू हुआ। अच्छा, ये पहला पुल कड़ी, ये पर्शियन डिजाइन है, ये ईरान पर्शिया कहते हैं। हाँ, ढांचा है, दो मरा, चुना गोन अंडे पूरे मिक्स करके लामस्टोन बनाए। अच्छा, 400-500 साल पहले सीमेंट नहीं थी ना। हाँ, फिर ऐसा लामस्टोन। हाँ। और ये किस, ये क्या है, ये किसका टोम? इनकी ननंद है। अच्छा, इनकी ननंद है। अभी यहाँ 1 बजे है नमाज। हाँ, नमाज आप पढ़ लो। हाँ, आप दीदी यहाँ पे पानी दे रही थी। हाँ, 9 बजे।